वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। आज क्लास टू का यूनिट फोर रेन। मैरीगोल्ड की इंग्लिश है ना, उसका वर्कबुक के सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूनिट फोर रेन, पेज नंबर 57। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें फर्स्ट है द रेन is raining all around, rain answer है D। where does the rain fall, इसका on field and tree, C answer है। what do you use when it rains, umbrella answer है। what sail on the sea, ships answer है। what color are the cloud that bring rain, black answer है। ये repeat करने हैं। राइट टू राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट है ट्रेन, गेन रेन, वे पे मे, थ्री फ्री ट्री, शिप डिप सिप, गाउन ब्राउन टाउन। नेक्स्ट पेज नंबर 58। नेम द पिक्चर यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये पिक्चर्स दिए उसके रिलेटेड उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स है, सन ट्री, रेन स्टार्स ग्रास, रेनबो एनिमल क्लाउड्स, मून थंडर फ्रूट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 59। इसमें इसका बर्ड नाम है रिवर और माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द कलर। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, तो इसको पिक्चर पे कलर ड्रॉ करना है, कलर करना है और उसके कलर के नाम भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी में से ही कलर के नाम लिखने हैं। ये फर्स्ट रेड कलर है, ग्रीन येल्लो ब्राउन पर्पल ऑरेंज व्हाइट ब्लैक। पेज नंबर 60। इसमें नेम द पिक्चर, पिक्चर्स दिए इसके नेम लिखने, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए। फर्स्ट ये पिक्चर का नाम है लेक और सी, रिवर पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द पिक्चर एंड राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट इट। यहाँ पे ये पिक्चर दिया है, इसमें ये कलर फिल करना है और इसके फाइव सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे दूंगी, ये आप खुद ही कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। यही यूनिट फोर में स्टॉर्म इन द गार्डन है, ठीक है। इसका स्टॉर्म इन द गार्डन के एक्सरसाइज देख लेते हैं। पेज नंबर 62। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हु वॉज सोनू, सोनू अ स्नेल। हु वॉज सोनू विजिटिंग, एंट्स। द एंट्स क्लाइम्ड ऑल ओवर सोनू, सोनू। नेक्स्ट पेज नंबर 63। सडनली लाइटिंग क्रैश थ्रू द क्लाउड। फिफ्थ है वेयर वेयर द एंट हाइडिंग, अंडर अ फ्लावर पॉट। द एंट टोल्ड सुनू, सुनू टू हरी होम। वेयर वॉज सुनू, सुनूस मदर सिटिंग, अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सुनू सुनू हियर द विंड ब्लो, ओ ओ। सुनू सुनू वॉज सुनू, सुनू सॉ ट्री स्वे शाय। सुनू सुनू सॉ लाइटिंग फ्लैश ज़ि। नेक्स्ट सुनू सुनू हियर थंडर रोल,
गुडम गुडम। सुनो सुनो हियर्ट रेन फॉल स्ट पिटा टा। सुनो सुनो हियर वाटर ड्रिप प्लिप प्लिप। सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट बिकॉज ही हाइड इन हिज शेल। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 64। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट थंडर रोल्स, विंड ब्लोज, वाटर ड्रिप, लाइटनिंग फ्लैशेस, रेन फॉल्स, ट्रीज स्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स। प्ले क्ले से, ब्लैंक ब्लैक ब्लो, डॉग डॉक डॉल, ड्रेन ड्रिल ड्रिंक, मैश फ्लैश क्लैश। नेक्स्ट पेज नंबर 65। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द साउंड वर्ड। पिक्चर है टिक टॉक। इसमें जो कार होती है उसका आवाज साउंड बिप बिप, डिंग डोंग, पिटर पैटर, हॉन्क हॉन्क, बूम, थर्ड, नॉक नॉक, स्प्लैश, जूम। नेक्स्ट पेज नंबर 66। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस। इसमें फर्स्ट द बॉय आर क्लाइंबिंग अप द ट्री, द रैबिट इज इन द हैट, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द कैनल, द बॉय इज अंडर बेड, द डॉग इज ऑन द चेयर, द गर्ल इज कमिंग डाउन द स्लाइड, द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री, द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द फेंस। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज नंबर 67 और 68। कर्सिव राइटिंग आपको राइट करना है। ठीक है, ये आप आज का होमवर्क है आपका। नेक्स्ट पेज नंबर 69, फन टाइम। इसमें कलर द बर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर इन वर्ड्स। फर्स्ट है वन लिटल ब्राउन बर्ड, तो ब्राउन कलर देना है, विथ नथिंग टू डू। अलोंग कम अ ब्लू वन, ब्लू कलर देना है, एंड देन देयर वेयर टू। ब्राउन बर्ड ब्लू बर्ड फ्लू इन द ट्री, यानी जिस तरह से लिखा हुआ है ना उस हिसाब से आपको इसमें कलर फील करना है। अब रेड बर्ड, यहां पे रेड कलर, ज्वाइन देम एंड देन देयर वेयर थ्री। ब्राउन बर्ड ब्लू बर्ड रेड बर्ड सेट ऑन द मोर। अलोंग होप अ ग्रीन बर्ड, ये ग्रीन बर्ड है, एंड देन देयर वेयर फोर। फोर लिटल बर्ड टेकिंग अ डाइव। डाउन फ्यू येलो बर्ड एंड देन देयर वेयर फाइव। फाइव लिटल बर्ड फ्लाइंग इन द सन। फोर फ्लू अवे एंड देन देयर वॉज वन। नेक्स्ट पेज नंबर 70। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स यूजिंग द पिक्चर एज क्लूज। ठीक है, ये पिक्चर कंप्लीट करना है, क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पिक्चर का यूज करके, तो ये क्या दिख रहा है, सन है, तो सन का स्पेलिंग। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, मून है। ठीक है, ये स्टार, स्टार का स्पेलिंग लिखना है। ये क्या है, रेनिंग, तो यहाँ पे रेन का स्पेलिंग लिखना है। ये ग्रास है, ये ट्री, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, रिवर। ठीक है, और ये हिल्स, यहाँ पे हिल्स दिख रही है ना,
ये हिल्स है। नेक्स्ट पेज नंबर 71, ये लुक लिसन एंड रिपीट, ये आपको देखना है, सुनना है और रिपीट करना है, ठीक है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स। राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स, इसमें फर्स्ट है डिड किड लिड डिड, फिग पिग बिग डिग, डिन बिन फिन टिन, सिप लिप टिप जिप, पिट किट फिट सिट। नेक्स्ट पेज नंबर 72, लुक एट द सैंपल पिक्चर एंड कलर द फिश, राइट टू थ्री सेंटेंसेस अबाउट इट। ठीक है, ये पिक्चर दिया गया है यहाँ पे, इसे देखकर ही यहीं पे कलर आपको फिल करना है और फिश के ऊपर आपको दो तीन लाइन लिखनी है। ये भी आज का आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये यूनिट 4 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।